रीवा जिले के गुड़ थाने के मोहनिया पहाड़ पर लगे हाई पावर लाइन के टावर की रविवार की रात चोरों ने टेट निकाल ली। इससे पूरा टावर धराशायी हो गया। घटना की वजह से 3 जिलों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। साथ ही विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस घटना के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सौर ऊर्जा प्लांट से 220 केवी विद्युत लाइन शहडोल सीधी और सिगरौली जिले में आपूर्ति की जाती है। इसके लिए मोहनिया पहाड़ पर टावर लगाए गए हैं, उनके माध्यम से विद्युत लाइन खींची गई है। इस लाइन में हाई पावर का करंट गुजरता है। मोहनिया पहाड़ पर लगा मल्टी सर्किट टावर 212 को रविवार की रात बदमाशों ने निशाना बनाया। टावर के नट खोलकर उसमें लगी काफी मोटी प्लेट और टावर के अन्य सामानों को चोरों ने निकाल लिया। इससे पूरा टावर धराशायी हो गया और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को लगी तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। तत्काल तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त टावर की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया। इस घटना से सीधी सिगरौली व शहडोल जिले में विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ा है। इससे पूर्व भी बिजली टावरों को चोर निशाना बना चुके हैं, जिसकी शिकायत भी बिजली कंपनी के अधिकारियों ने संबंधित थानों में की है। घटना के बाद बिजली कंपनी का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। रीवा, सतना व सीधी जिले से करीब 200 के लगभग अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। वे विद्युत लाइन को जल्द दुरुस्त करने में लगे रहे। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही विद्युत लाइन को दुरुस्त कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री मेंटेनेंस अजय चौरसिया ने बताया कि पहाड़ पर टावर लगा हुआ था, उसकी प्लेट चोर निकाल ले गए थे। रविवार को तूफान आने से टावर धराशायी हो गया और सीधी सिगरौली व शहडोल जिलों की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। 3 जिलों का अमला मरम्मत कार्य में लगा हुआ है। जल्द ही इसे दुरुस्त कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। किस टाइप में प्लेट चोरी हुई है? हमारे जो फ्रिज प्लेट लेक में ज्वाइंट के लगते हैं जी, हमारे ऑलरेडी बिल्ड थे, पहले बिल्डिंग किया हुआ था, लेकिन चोरों के द्वारा बिल्डिंग को काट करके, नट बोल्ट काट करके प्लेट चोरी कर ले, जिस कारण कुछ हवा दे कलाई थी सालन टाइम में, जिस कारण से टावर रजाई हो गया है। अगर ऐसे ही चोरी होती रहे तो कई का शासन कई करोड़ नुकसान होगा और आम पब्लिक को सही टाइम में ऊर्जा की। ये टावर गिरने का कारण मेन चोरी आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेन चोरी है। अच्छा, क्योंकि प्रॉपरली हमारी चेकिंग होती रहती है, रूटीन चेकअप हम लोग करते रहते हैं। अभी हमने 10 दिन पहले चेकिंग कराई, सब ठीक था। अभी हाल में ही कुछ दिन लगता है तो 4 दिन पहले चोरी हुआ होगा।